शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार का साप्ताहिक भविष्यफल 28 जून सन 2021 से 2 जुलाई सन 2021 26 जून सन 2021 शनिवार। दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 जून सन 2021 शनिवार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यह सप्ताह मंगल एवं शुक्र कर्क राशि में होंगे, सूर्य ग्रह मिथुन राशि में होंगे, राहु एवं बुध वृषभ राशि में होंगे। गौरतलब है कि राहु और बुध शुक्र ग्रह की राशि में हैं। चंद्रमा सप्ताह के दौरान मकर राशि एवं कुंभ राशि में विचरण करेंगे। शनि एवं मंगल एक दूसरे से समसप्तक होंगे। शनि कल कर्क राशि में और शनि मकर राशि में होंगे और दोनों ही राशियां एक दूसरे से समसप्तक यानी 180 डिग्री की दूरी पर हैं। यह सब ग्रह सहयोग भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख की रचना कर सकता है। आपको याद होगा, हमारे पिछले वीकली के अंदर हमने आप बाजारों का आकलन एवं अनुमान आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। मेटल बैंकिंग स्टॉक्स ने एग्जैक्टली वही मूवमेंट किए जिसके हमने कल्पना की थी। यह सब ग्रह सहयोग भारतीय शेयर बाजार में आने वाला सप्ताह, जो कि 28 जून से 2 जुलाई के बीच में होगा, सकार की रचना कर सकते हैं। इस सप्ताह आप बाजार में मेटल बैंकिंग सीमेंट्स ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। पिछले सप्ताह शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार का आकलन सत्य साबित हुआ। उम्मीद है सभी दर्शकों ने एवं निवेशकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। इस सप्ताह फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, भारत सरकार की सबसे बड़ी कॉपर की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वेदांता ग्लोबल लीडर मेटल वेदांता लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक और सरकारी क्षेत्र की बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो टाटा केमिकल, एक महत्वपूर्ण देश की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की टाटा केमिकल्स पर भी आप लंबी अवधि के निवेश के नज़र के लिहाज से नज़र रख सकते हैं। बैटरी सेगमेंट के अंदर एक्साइड बैटरी के ऊपर भी लंबे अवधि के लिए आप नज़र रख सकते हैं। निवेशक समय पर शेयर्स में मुनाफा वसूल कर लें तो बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार या फिर करेंसी बाजार, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अल्प अवधि के ट्रेडर्स हैं, तो आप समय पर मुनाफा वसूल कर लें, और यदि आप निवेशक हैं तो पूरा निवेश एक साथ करना कभी उचित नहीं रहता। टुकड़ों में करना चाहिए और टुकड़ों में ही बैचेज के अंदर ही खरीदारी और बिकवाली करनी चाहिए। कृषि जींसों एवं कमोडिटी बाजार का क्या भविष्य? कमोडिटी बाजार का साप्ताहिक भविष्यफल। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस सप्ताह चने में बड़ी मजबूती की संभावनाएं नजर आ रही हैं। चना, गौरतलब है, भारत के अंदर सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली दलहन के अंदर कमोडिटी है। गेहूं में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दर्ज हो सकती है। गौरतलब है, सोयाबीन, गेहूं और मक्का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। मक्का में भी तेजी का रुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। कॉर्न,
बहुत महत्वपूर्ण होता है पशु आहार में भी और एक खाद्य जींसों में भी। तो मक्का में भी यानी कॉर्न में भी आज में भी सप्ताह तेजी का रुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। गवार सीड एवं गवार गम राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान गुजरात और हरियाणा के कारोबारियों की पहली पसंद है। गुजरात हरियाणा और राजस्थान के किसान बंधु एवं कारोबारी इसमें विशेष रुचि रख सकते हैं। इस सप्ताह गवार गम में मजबूती बन सकती है। मसालों में सबसे महत्वपूर्ण हल्दी मानी जाती है और इस सप्ताह हल्दी के में तेजी की संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है हमने पिछले सप्ताह भी आपको हल्दी में तेजी की बात कही थी और साप्ताहिक तेजी हल्दी यानी टर्मरिक में देखने को मिली। कोविड केसेस के अंदर भी लगातार कमी और लॉकडाउन खुलने की जो संभावना है उससे भी हल्दी की तेजी को बल मिलता है। अतः मंडी के व्यापारी हो या फिर NCDX पर काम करने वाले ट्रेडर्स इसका विशेष ध्यान रख सकते हैं। उपरोक्त सभी जानकारियां फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर की गई है। लाभ हानि की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी ना ही चैनल के किसी मेंबर की होगी। आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत बारीकी से और ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम हर अपडेट को आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। आप हमारी पेड सर्विसेज भी भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। आप शेयर बाजार कमोडिटी बाजार करेंसी बाजार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप हमारी सर्विसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। एक और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बिंदु आप सभी के लिए छोटे निवेशक या कारोबारी हमारे चैनल को ज्वाइन का बटन दबाकर भी मामूली शुल्क के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गुड लक हैप्पी ट्रेडिंग।